क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, ये वैसे तो अनमैरिड लोगों का होता है, लेकिन कुछ कपल्स भी पूछते हैं कि मैम हमने इस मंथ में रिलेशन बनाया था, लाइक सितंबर महीने में रिलेशन बनाया था, तब से लगातार 3 महीने से पीरियड्स आ रहे हैं हमें, लेकिन कुछ प्रेगनेंसी सिम्टम्स भी आ रहे हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि लगातार पीरियड्स आ रहे हैं और उसके बाद भी हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं? ऐसे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं। वैसे तो ज़्यादातर ये जो मैरिड नहीं हैं वो अपना कंफर्मेशन के लिए पूछते हैं, उनके मन में एक डर रहता है इस चीज़ को लेकर, लेकिन जो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं प्रेग्नेंट होने के लिए, तो जिनको कुछ नहीं पता होता, तो उनको भी ऐसा कई बार लगता है, उनको हर बार पीरियड्स के टाइम पे प्रेगनेंसी से सिम्टम्स आते हैं लेकिन पीरियड्स आ जाता है, तो उनका यही सवाल होता है कि क्या ये पॉसिबल है कि पीरियड्स भी आ रहे हैं और प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं क्या हम? तो चलिए बात करते हैं आज के इस टॉपिक पे, जो जो इस समस्या को फेस कर रहे हैं इस वीडियो के ज़रिए, फाइनली आप सबको एक साथ आंसर मिल पाएगा, क्योंकि मुझे यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, सब अलग अलग जगह पे इसी तरह के लगभग बहुत सारे सेम कमेंट्स आते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त प्रतिभा और बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। अगर आपने रिलेशन बनाया, लाइक 2 महीने पहले बनाया, 3 महीने पहले बनाया, लेकिन उसके बाद आपका पीरियड्स मिस नहीं हुआ, तो जिस महीने भी आपने रिलेशन बनाया उसके बाद आपका पीरियड मिस नहीं हुआ है, आपका पीरियड्स वैसे ही आया है जैसे कि आता था, आपने टेस्ट किया ही होगा कंफर्म करने के लिए, वो टेस्ट निगेटिव आ गया, फिर नेक्स्ट मंथ आपका पीरियड आया, टाइम से आ गया, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि जब पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार रिलेशन बनाते हैं तो पीरियड डेट सेम डेट पे नहीं आती, पीरियड ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, 7-8 दिन ऊपर नीचे हो भी जाते हैं, तो उसमें भी पैनिक होने वाली बात नहीं होती। लेकिन अगर पीरियड्स अपने टाइम पे आ गए हैं, ऊपर नीचे भी आए हैं, फ्लो के साथ जैसे नॉर्मली आते हैं आ गए हैं, तीसरे महीने भी आ गए, चौथे महीने भी आ गए, जितना भी टाइम हुआ उसके बाद से लगातार आपके पीरियड्स आ रहे हैं हर महीने, तो ये प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। फिर अगर ब्लीडिंग पीरियड जैसी ही आ रही है, रेड कलर में आ रही है और हर महीने बराबर आ रही है, तो ये प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, आपके पीरियड्स हैं। फिर ऐसी स्थिति में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं हम प्रेग्नेंट तो नहीं हो गए, रिलेशन बनाया था उसके बाद से लगातार हर महीने सिम्टम्स आते हैं प्रेगनेंसी जैसे सिम्टम्स कई बार लोगों को पीरियड्स टाइम पे भी आते हैं, क्रैम्प्स आता ही है पीरियड्स आने से पहले, थोड़ा सा मूड स्विंग हो भी सकता है ये, क्योंकि हार्मोन होता है। कई बार तो लोग पीरियड से पहले टेस्ट कर लेते हैं तो उनका पॉजिटिव तक आ जाता है, जो लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन फिर ब्लीडिंग आ जाती है। तो पीरियड्स के पास, जब पीरियड्स का टाइम नज़दीक होते हैं, तो कई बार सिम्टम्स ऐसे ही होते हैं जैसे कि प्रेगनेंसी जैसे होते हैं, तो जो लोग ट्राई कर रहे होते हैं वो कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने रिलेशन बनाया था, उसके बाद से हर महीने आपके पीरियड्स आए हैं, आ रहे हैं, आपने टेस्ट भी करके चेक कर लिया, 2 बार किया होगा, 3 बार किया ही होगा चेक करने के लिए, अगर सब निगेटिव है, तो इसका मतलब है कि आपका गर्भधारण नहीं हुआ है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर प्रेगनेंसी होती है, अगर 2 महीने 3 महीने हो गए रिलेशन बनाए, हर महीने पीरियड्स आ रहा है, तो अगर प्रेगनेंसी होगी तो आपको खुद ऐसे में काफ़ी बड़े चेंजेस देखने को अपने शरीर में मिलेंगे, सिर्फ हल्के फुल्के सिम्टम से या फिर टेस्ट निगेटिव आ जाने से ही कन्फर्म नहीं होगा, फिर काफ़ी बड़े चेंजेस शरीर में आने शुरू हो जाते हैं जब प्रेगनेंसी होती है, तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि अब आप क्लियर हो गए होंगे, जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नमस्कार।